श्री बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की सूचना के लिए एडीएम सिटी ज्योति सिंह से मिले और उनके कार्यक्रम के लिए उन्हें अवगत कराया। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में 8, 9, 10, 11, 12 अक्टूबर 2023 से श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ग्राम उमरी सब्जीपुर पागबड़ा मुरादाबाद पर महायज्ञ किया जाएगा, जिसकी आहुति 10 अक्टूबर को धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके उपरांत दिव्य दरबार और हनुमत कथा का शुभारंभ धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1,00,000 श्रद्धालुओं के आने की सूचना है। आज डीएम साहब महोदय से हम मिलना चाहते हैं, डीएम साहब कुछ कारण बस डीएम साहब से मुलाकात। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम के तत्वधान में बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ दिव्य दरबार अक्टूबर में लगने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज थोड़ी चर्चा करने की कि डीएम साहब से ये चर्चा हो, प्रशासन क्या क्या हमारी मदद कर सकते हैं, हम लोगों को क्या क्या सहयोग करना है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आए थे। बागेश्वर धाम सरकार का अक्टूबर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है 8, 9 और 10, 3 दिन आश्रम पर, बाबा नीम करौली आश्रम पर दिव्य दरबार रहेगा 2 दिन नए मुरादाबाद में, और वहाँ पर 3 दिन एक होगा महाराज जी का, तो पूर्ण आहुति में महाराज जी हमारे आश्रम में रहेंगे, और उसके बाद 2 दिन का दिव्य दरबार नए मुरादाबाद में लगेगा। इस विषय में आज सूचना देने आए हैं, इसी पर चर्चा हुई है थोड़ी सी, बाकी प्रशासन इस मौके पर मीडिया प्रभारी जयदेव यादव, विनीत गुप्ता, राजकुमार शर्मा, विनोद राय, देवेंद्र बिष्ट आदि ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे।